वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि हम अपनी इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी है, जिसके हम मतलब इंस्टाग्राम के यूजर नेम ही भूल गए, वो कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे खोलें, डिटेल में बात करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आई एम हियर, अभी खुलवा दे दो मेरे साथ, बस सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना। सीधा लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, फालतू की बात नहीं करते। यहां से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां, इंस्टाग्राम पे। ये देखो, वैसे मेरा एक अकाउंट लॉगिन है, बट मुझे मेरा दूसरा अकाउंट नहीं पता। ओके, अब उसका क्या करना है, भूल गया हूँ मैं सब कुछ, आईडी पासवर्ड सब भूल गया हूँ। यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, देखो लॉग आउट ऑल करके दिखा देता हूँ। ओके, अब एक अकाउंट है जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, ना आईडी पता, ना पासवर्ड पता, ना यूजर नेम पता, कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। तो अब एक काम करो, आप करो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे टैप। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे टैप करोगे, वो कहेगा भाई फाइंड योर अकाउंट, अब अपना अकाउंट तो ढूंढ लो। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, आपको कुछ भी नहीं पता, यूजर नेम भी नहीं पता है। यूजर नेम वैसे तो दोस्त बता देंगे, कभी चैट की हुई होगी उनसे तो, लेकिन आपको अब नहीं पता है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, बिकॉज बिना मोबाइल नंबर के कभी भी हमारा वो बनता ही नहीं है इंस्टाग्राम का अकाउंट। तो मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे जितने भी अकाउंट होंगे वो सब निकल के आ जाएंगे कंफर्मेशन कोड के साथ। इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे मेरे इतने सारे अकाउंट हैं, जिनमें से ये अकाउंट खोला हुआ था, ये दो अकाउंट नहीं खुले हुए थे। अब मुझे ये वाला अकाउंट लॉगिन करना है, ये जो सबसे नीचे वाला अपकमिंग वर्ल्ड डेमो है ना, तो इसे करने के लिए हम इस पे करेंगे टैप। हो सकता है ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाए, हो सकता है पासवर्ड भी चेंज करने के लिए बोले, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी थी। तो हम यहाँ से टैप करेंगे कंटिन्यू से, एंड यहाँ से हम टैप करेंगे। अब वो बोलेगा भाई ठीक है, आपका ये अकाउंट है, हमें पता लग गया, आप अपना पासवर्ड तो चेंज कर लो, आप नया पासवर्ड डाल दो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डालेंगे, तो आप अपना कोई भी नया पासवर्ड चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, एंड लॉग आउट होना मदर डिवाइस। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो अकाउंट है वो किसी और फोन में लॉगिन है या हो सकता है कहीं और भी है, तो आप यहाँ से सिंपली उस पर लॉग आउट पर टैप कर सकते हो इस तरह से, एंड यहाँ से आप कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका अकाउंट क्रिएट पासवर्ड हैवंट यूज बिफोर, मैंने ऑलरेडी ये पासवर्ड पहले यूज किया हुआ था, मैं दोबारा से नया पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब मैं दोबारा से कोई नया पासवर्ड डाल दिया, मैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखोगे कि मेरा अकाउंट अपने आप ही लॉगिन हो जाएगा, डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से पुरानी आईडी को आप लॉग बैक कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, चला सकते हो। ये देखो आ गया, एक वो कह रहा है भाई व्हाट्सएप पे भी आप एक कोड और दे दो, व्हाट्सएप पे भी मेरा कोड आ गया यहाँ पे। ओके, वो भी मैं डाल देता हूँ, ये है 120835 120835, एंड कंटिन्यू करेंगे। ये रहा, क्योंकि मैंने तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन किया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यही है, हम कर लेंगे। वो कहेगा लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करनी है आपको इस अकाउंट की, लॉगिन इन्फो यानी कि पासवर्ड, पासवर्ड अपने आप फ़ोन में ही सेव हो जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई सेव कर दो, ये चल गया अकाउंट मस्त, अब मैं इस अकाउंट को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सेव हमने कर ली है लॉगिन इन्फो, आपको जो से भी यूज़ करना है, ये वाला अकाउंट था ना डेमो वाला, अपकमिंग वर्ल्ड डेमो, ये हो गया यूज। तो इस तरह से आप किसी भी पुरानी आईडी को आराम से खोल सकते हो, राइट। आई होप आपकी अब आईडी मिल भी गई होगी, आईडी खुल भी गई होगी, एंड उसके साथ साथ अब आप आराम से अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को यूज करते होंगे। इफ आपका काम हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस नो लिख दो, अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे लिख दो कमेंट बॉक्स में, डिटेल में दो चार लाइन में लिख दो कि तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां पे भी रिजॉल्व करा दूंगा आपकी दिक्कत जो भी होगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा ना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।